ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। नवादा जिले के समरणालय परिसर में अकबरपुर क्षेत्र के ग्राम निगारी से आई दर्जनों महिलाओं ने कहा कि हमारे निगारी गांव में शराब कारोबारियों की गुंडागर्दी से परेशान है। वही आने जाने वाले राहगीर व बहु बेटी को शराबियों के द्वारा परेशान व छेड़छाड़ किया जाता है। वही इसके विरोध करने पर शराब कारोबारी द्वारा मारपीट भी किया जाता है। शराब कारोबारियों की गुंडागर्दी के खिलाफ एसपी से मिलने समरणालय पहुंची इन महिलाओं ने आरोप लगाया कि मस्तानगंज में कई जगहों पर शराब खुलेआम बेची जाती है। वहीं इस सूचना पर पहुंची एसपी ने आक्रोशित महिलाओं की समस्या सुनी। वहीं एसपी घोरत सपाली सावलाराम ने आश्वासन दिया है कि शराब माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी शराब माफिया की खैर नहीं है, जो लोग शराब बेचेंगे उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होना सुनिश्चित है। जो भी व्यक्ति जा रहा है छक्के मार रहा है, क्यों इसलिए मार रहा है कि उन लोग दारू उधर बेचने जाते हैं, हम लोग रोक लगाते हैं, इसके लिए छक्के मार रहा है। दूसरे बेटे हम लोग का जो भी माँ बहन बेटी आता है रोड पे उसको छेड़ रहा है, उसको कंप्लेंट करने जाते हैं, चताने जाते हैं, तो फिर छक्के सभी को मार रहा है। सब्जी जो सब्जी बेचने जा रहा है उसको छीन के नाली में फेंक दे रहा है। अभी कहाँ आए हैं? अभी हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। अकबरपुर थाना बिका हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। दारू के लिए हम लोग बोल रहे हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अभी आप लोगों ने एसपी मैडम से मिला, क्या एसपी मैडम बोले कार्रवाई होगा, अभी मैं फोन करता कार्रवाई होगा, ये आश्वासन दिया हमको। संतुष्ट है इससे? थाला को दारू जब तक नहीं एक्शन लेगा जब तक संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है आपका? राम बरन कुमार।